हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपका करियर रीडिंग जून मंथ के लिए यानी जून 2023 के लिए। इस टाइम पर आपके लाइफ में ओवरऑल क्या क्या होने वाला है, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड ओवरऑल हम सब देखने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, यहाँ पर हम पहले आपकी करियर रीडिंग देखेंगे, फिर हम हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा कार्ड लेंगे। ओके, सो पॉजिटिव रहें। और ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। ओके, दो कार्ड्स ऑलरेडी निकल आया है और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृषभ राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, सो पॉजिटिव रहें। फाइव ऑफ वंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है द सन। ओह वाओ, सो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सो जून मंथ में आपके लाइफ में ओवरऑल खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको स्टक एनर्जी में थे तो वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप खुल के अपना लाइफ को इंजॉय कर पाओगे, कोई सेलिब्रेशन का मौका भी आपके लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बॉटम ऑफ द डेक अच्छी आई है। तो देख लेते हैं ये सब चीज़ें कैसे होने वाली हैं, रीडिंग करने के बाद पता लगेगा। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं पहले बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं। तो देख लेते हैं 1 से 10 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, ढेर सारा काम कम टाइम के अंदर कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो, जिसके वजह से आपके अंदर ये एनर्जी आती हुई दिख रही है। यानी काम करते करते इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे, आपका काम इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इंजॉय करके ये काम करने वाले हो और इस काम का जो फल आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके तरफ आती हुई दिख रही है। यानी सक्सेस आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रही है। इस टाइम पर आप जो भी काम करोगे वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स हैं। तो इस टाइम पर आपके कुछ ख्वाहिशें पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को लेकर ना इमेजिन कर रहे थे, आपके करियर के साइड से कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास चला, या फिर कुछ ऑफर को लेकर, कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर, कुछ प्रपोजल को लेकर आप बहुत टाइम से इमेजिन करते फिर रहे थे। तो ये इमेजिनेशन इस टाइम पर रियलिटी में बदलने वाला है, आपका कोई एक ड्रीम रियलिटी में बदलता हुआ दिख रहा है, कुछ ख्वाहिशें पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस टाइम पर हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, या फिर बिजनेस की तरफ से ऐसा ग्रोथ आपको दिख जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करते हो तो वहाँ से भी आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर ना आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को जानबूझकर। यानी आपको पता है कि इन चीज़ों से आप दूर नहीं रह सकते हो, पर फिर भी आप उन सब चीज़ों को अपने से हटाते हुए दिख रहे हो, अपने से दूर करते हुए दिख रहे हो। और ऐसे ही नहीं, आप इस टाइम पर जानबूझकर ये काम करने वाले हो, अनजाने में कुछ भी नहीं होने वाला है, सोच समझकर आप ये डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। पर आप देख सकते हो यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो है वो आपके पास ही रहेगा। वो लोग आपको इस टाइम पर किसी भी चीज़ को लूज करने नहीं देंगे, यानी आपकी तरफ से यानी आपके पास से कुछ चीज़ें चला जाए ये आपके फैमिली एकदम से टॉलरेट नहीं करेंगे। या फिर कुछ इंसान दिख रहे हैं आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है आपके बिजनेस में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए इन लोगों की वजह से, या फिर आपके जॉब में प्रमोशन हो जाए, या फिर आपका कोई एक काम बहुत अच्छे से बन जाए। ओके, तो इस टाइम पर एक सक्सेस आपको मिलती हुई रहे हैं, आपके पास एक अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं, आपके पास खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, या फिर आपके घर में आप इस टाइम पर कुछ पूजा पाठ रखवा सकते हो। एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर। इस टाइम पर एक फुलफिलनेस महसूस होने वाला है। यानी क्या बताऊँ, आपके पास इस टाइम पर बहुत सारे पैसों का ऑफर आ सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे। ओके,
और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइव ऑफ वांड्स है जून मंथ के 20 से 30 तारीख के लिए। फर्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स। इस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हुए दिख रहे हैं और साथ ही में एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है कंपटीशन। इस टाइम पर आप एक कंपटीशन में भिड़ते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ फाइटिंग करके हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स करके हो सकता है, डिबेट करके हो सकता है। आप किसी एक चीज़ को हासिल करते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ को रिसीव करते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इजीली नहीं आने वाला है। कुछ चीज़ों को आप ऐसा चाहते हो जिस चीज़ को आप इजीली नहीं पा सकते हो, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप करते हुए भी दिख रहे हो, प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो, जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पर सक्सेस आती हुई दिख रही है, यानी इस टाइम पर आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हो, पर एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी में भी दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आपका काम इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा शार्पली करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपको एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, आपको रोल मॉडल मानते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप कुछ ऐसा काम करके दिखाने वाले हो आपके करियर के साइड से जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। यानी आप इस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हुए दिख रहे हैं और उसकी वजह से ही आपके पास इस टाइम पर कुछ ऐसा सक्सेस आता हुआ दिख रहा है जिसको देखकर बहुत सारे लोग जेलस भी होने वाले हैं। देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा जून मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच का क्लैरिफिकेशन क्या है। यहाँ पर है द फूल। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही हैं आपके काम के द्वारा। इस टाइम पर आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आएगा, जो भी चैलेंजेस आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, जो भी खुशियाँ आएगा, आप सब कुछ एकदम से एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो चलते हुए दिख रहे हो, सिचुएशन के साथ साथ बहते हुए दिख रहे हो, टाइम के साथ साथ चलते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इस टाइम पर आगे क्या होगा या फिर पास्ट में क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को लेकर आप बॉदर नहीं होने वाले हो। पास्ट पास्ट में है, फ्यूचर फ्यूचर में है। इस टाइम पर आप प्रेजेंट को लेकर बॉदर होते हुए दिख रहे हो, प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, देख लेते हैं जून मंथ के 10 से 20 तारीख का आउटकम। ओह वाओ, सो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो इस टाइम पर बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को आप अपने लाइफ से एकदम से दूर भगाने वाले हो। बहुत सारे काम इस टाइम पर आपके होने वाले हैं। कुछ अगर स्टक सिचुएशन में आप फंसे थे तो वहाँ से बाहर निकलने वाले हो। मुझे दिख रही है कोई एक इंसान ना आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था या फिर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था या फिर आपके कुछ काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, तो वो इंसान इस टाइम पर एकदम से नाकाम होते हुए दिख रहे हैं अपने काम में, क्योंकि इस टाइम पर उस इंसान को आप पहचानने वाले हो। ओके, एक क्लैरिटी आपके सामने आती हुई दिख रही है, एक क्लियरिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, कुछ ट्रूथ्स आपके सामने आ सकता है। इस टाइम पर कुछ नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही है। देख लेते हैं जून मंथ के 20 से 30 तारीख का, यहाँ पर है द हेरोफेंट। ओके, तो इस टाइम पर हो सकता है आपके घर वाले आपके शादी को लेकर परेशान हैं या फिर आप अपनी शादी को लेकर परेशान हो या फिर कोई एक इंसान आपको शादी का प्रपोजल देना चाहता है, तो यहाँ पर एक शादी से रिलेटेड बात दिख रही है मुझे। हो सकता है इस टाइम पर आपका एंगेजमेंट फिक्स हो जाए या फिर अगर आप बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे शादी के लिए तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिल जाए। एक ट्रेडिशनल वे में शादी फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन हो तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में इस टाइम पर हार्मनी आती हुई दिख रही है। आपके साथ बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओके, देख लेते हैं आपका हेल्थ इस टाइम पर कैसा रहेगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, सो ओके, तो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है क्वीन ऑफ क्लब्स। इस टाइम पर आपके हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। आप अगर कुछ हेल्थ इशू को लेकर बहुत टाइम से परेशान थे तो यहाँ पर वो चीज़ ठीक होती हुई दिख रही है। आपके हेल्थ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। ओके, सो ओवरऑल तो मुझे आपके जून मंथ का हेल्थ अच्छी लगी। जून मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर मुझे दिख रही हैं आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अपने काम को लेकर, जिसके वजह से ही आपको उस टाइम पर थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हो।
ओके आपको इस टाइम पर अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को महसूस करना चाहिए, आपको इस टाइम पर खुश रहना चाहिए ओके तो आपका हेल्थ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहिए ओके सो देख लेते हैं यहाँ पर जून मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर यहाँ पर मुझे दिख रही हैं पैसों से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हो, तो जिसकी वजह से आप इस टाइम पर अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो, आपको इस टाइम पर थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करना चाहिए ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 of clubs हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने वाले हो, यानी इस टाइम पर इतना ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो कि आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से ही टेंशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कुछ हेल्थ इशू यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जैसे कि सर दर्द होना, थकान महसूस होना, एयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, गैस, एसिडिटी, तो ऐसे टाइप्स के प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ओके सो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपको काम का लोड उतना ही लेना चाहिए जितना आप सह सकते हो ओके सो मन का जो पावर है वो तो बहुत है, अनलिमिटेड है, पर शरीर का पावर लिमिटेड है, आपको ये बात समझना चाहिए ओके सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे पॉजिटिव दिख रही है, अच्छी दिख रही है, सो आपका हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी ही है बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो सो बाय।